धीरज दाइमा, आज कक्षा 12 के लिए हिंदी में वितान का पाठ 3 अतीत में दबे पांव पढ़ा रही हूँ और इसके लेखक हैं ओम थानवी। सबसे पहले पाठ 3 का नाम जो है अतीत में दबे पांव, मतलब क्या हुआ कि पुराने समय की जो साक्ष्य हैं उनको आज हम पहचान पाते हैं, चाहे वो अपने जिस भी रूप में है, खंडहर के रूप में है, टूटे फूटे रूप में है, फिर भी आज हम उनसे, उन खंडहरों से ये पता कर सकते हैं कि उस समय की सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार की रही होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति थी, उनके बारे में पहला पॉइंट आता है इसमें। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। दूसरी बात कि इस नगर को किस प्रकार से बसाया गया है, कि कुछ ऊंचे टीलों पर मकान बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, कुछ घर जो है वो नीचे जगह पर बनाए हुए हैं। ऊंचे टीलों पर जो मकान बनाए हुए हैं वो उनकी समृद्धि को दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि वो कितने समृद्ध रहे होंगे, या वो थोड़े से सही तबके के लोग रहे होंगे, थोड़े ऊंचे लोग रहे होंगे जिनके पास पैसा ज्यादा रहा होगा। और उस समय पर किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, सभी घर जो हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं, इससे पता चलता है कि उन लोगों ने किस प्रकार से प्रगति कर ली थी। उनकी सड़कें चौड़ी थी, उनकी नगर योजना बड़ी अच्छी थी। कैसे थी? जैसी आज के दिन नगर योजना है, कहाँ पर? ब्रासिलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद, इन जगह पर जो नगर योजना बनी हुई है उसे कहते हैं ग्रिड प्लान। इसमें क्या होता है कि पहले गलियां होती हैं, गलियों के जो घर होते हैं उनके जो दरवाजे हैं वो पीछे सेक्टर में, गली में खुलते हैं, सामने सड़क की तरफ नहीं खुलते, और पानी की निकासी का अच्छा बंदोबस्त किया गया है, तो ये ग्रिड प्लान में बने हुए हैं। इसके बाद है, कैसे पता चलेगा कि उस समय के लोग बड़े सभ्य थे और सुसंस्कृत थे? किस प्रकार से वो लोग अनाज उगाते थे? कपास के प्रमाण, वहां से कपास के प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय पर कपास भी उगाई जाती होगी। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने के साक्ष्य मिलते हैं, इससे ये पता चलता है कि उस समय की संस्कृति समृद्ध संस्कृति रही होगी। इसके बाद है, जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर नदी, कुएं, कुंड और स्नानागार, ये क्या दिखाते हैं कि उस प्रकार, उस समय की जल व्यवस्था जो है कितनी अच्छी थी, सुदृढ़ थी। घर में पानी था, गांव में कुएं थे और 700 कुओं के साक्ष्य वहां से मिले हैं। इसका अर्थ हुआ कि उस समय पर ये सबसे, ये 5000 साल पुरानी सभ्यता का प्रति, ये थी 5000 साल पुरानी सभ्यता थी, तो वहां उसे जल संस्कृति का भी प्रतीक माना जाता है मोहनजोदड़ो को। इसके बाद है, वहां पर कोठार मिले हैं जो कि अन्न ग्रह होते हैं, उससे वहां ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया गया है कि वहां पर जो टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो अनाज आता था उसको संग्रहित किया जाता था। और बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, उससे क्या पता चलता है कि बैलगाड़ी से आने जाने, लाने और ले जाने का भार को, बोझ को ढोने का काम किया जाता था, अर्थात व्यापार किया जाता था। औजार मिले हैं जिससे कि मूर्तियां बनाई जाती थी, कुछ और बनाया जाता था, तो जो औजार हैं, लकड़ी के औजार हैं उनका व पत्थर के औजारों को प्रयोग किया गया था वहां पर, उनके आज के दिन साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय पर व्यापार उन्नत था। इसके बाद है, उस समय पर सुई के सबूत मिले हैं, इससे पता चलता है कि कशीदाकारी, और क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा भी होगा इस पाठ में कि एक राजा की मूर्ति मिली है जिसके सिर पर मुकुट है और उसके शरीर पर एक दुशाला यानी कि शॉल है जिस पर कसीदेकारी किया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि उस समय पर लोग कसीदेकारी करते थे। इसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, भव्यता का आडंबर नहीं, वहां पर
कमरे मिले हैं, ऊपर बड़ा कमरा, नीचे के कमरे में केवल एक जो मुख्य दरवाजा होता है, नीचे के गेट वो जो चौक है उसके पास में, तो मुख्य दरवाजे के पास में कोई खिड़कियां नहीं मिली हैं, केवल ऊपर के कमरे में ही खिड़कियां मिली हैं। ये पता चलता है इससे कि उस समय पर लोगों ने ऊपर की मंजिल भी बनाई हुई थी और वहाँ कोई भव्यता का आडंबर नहीं है, बहुत दिखावा नहीं है। दूसरी बात, एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि उस समय पर औजार तो मिले हैं परंतु हथियार नहीं मिले। इससे क्या पता चलता है कि उस समय की सभ्यता संस्कृत तो थी, वहां पर कोई योजना थी, कोई व्यक्ति था जो मुखिया था, जिन्होंने सभी को अनुशासित ढंग से बांधा हुआ था, परंतु वहां किसी का दूसरे व्यक्ति पर अधिकार नहीं था, राज्य नहीं था। तो ये उस समय पर लड़ाई आक्रमण नहीं होते थे, हथियारों का ना मिलना क्या दर्शाता है कि आक्रमण नहीं होते थे, इसीलिए वहाँ भव्यता का कोई आडंबर नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि वहाँ की नगर योजना से भी पता चलता है कि वो एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।